हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज अंशिका हेयर. सो आज हम लोग अपने मैम के साथ कहीं पे जा रहे हैं बिल्डिंग देखने. तो आज हम लोग का टॉपिक था ओल्ड बिल्डिंग, पुराने बिल्डिंग को देखना और उस पर रिसर्च करना. तो हम लोग उसी चीज़ को देखने जा रहे हैं, उसकी मटेरियल जो भी चीज़ें होती हैं. तो यहाँ पे मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग क्रिएट कर लेते हैं. तो शिवानी मैम के साथ हम लोग जा रहे हैं. ये भी स्टूडेंट हैं लेकिन हम इन्हें शिवानी मैम बोलते हैं. अभी हमारी मैम वहाँ पर डायरेक्ट वहीं पर इमाम बाड़े पर पहुँचेंगी. तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू. हम हैं, निशा है, अंकिता है और शिवानी है. सो यहाँ पर वो स्नैपचैट बनाते हुए यहाँ का आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक लग रहा है. बहुत ही सुंदर लगता है यार. ये रूमी गेट है, आपको अंदर इमाम बाड़े की भी सारी चीजें दिखा पाऊंगी जितना दिखा पाऊंगी. ज्यादातर वहां पे कैमरा ऑफ रखना ही है होता है, नहीं तो आपको 5,000 देना पड़ेगा उनको, अगर उन लोगों ने देख लिया कि आप शूट कर रहे हो. तो कि देख रहे हो कितना प्यारा व्यू मतलब लग रहा है यहाँ से. मैंने एक वीडियो शूट कर ही लिया फाइनली, और बहुत ही प्यारा, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था मुझे. पुरानी बिल्डिंग्स, पुराने फर्नीचर, ये सब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ. तो हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी पार्क किया और हम यहाँ पे उतर चुके हैं गाड़ी से. और यहाँ पे मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ. यहाँ पे हम मैम का वेट भी करेंगे. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह हम लोगों ने ली. ये निशा है, आज का इसका लुक है जो कि बहुत ही क्यूट पांडा हमारी लग रही है. सो सी इज़ सो क्यूट. तो इसके बाद शिवानी मैम पिक्चर्स वगैरह ले रही हैं यहीं पर. और यहाँ पर ये खूब सारी इन लोगों ने पिक्चर्स लिए और मैं यहाँ का ब्लॉग शूट कर रही थी. उसके बाद मेरी एक्चुअल मैम जो थी वो भी आ गई हैं और हम लोग अब अंदर जाने वाले हैं. भूल भुलैया जाएंगे और उसके अंदर वीडियो शूट वगैरह करेंगे. सो यहाँ पे हम लोग वॉक करते हुए फिर हम लोगों ने यहाँ पे भी पिक्चर्स ली. ये लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे, मेरा तो दूसरी तीसरी बार था. तो इन लोग के लिए पहली बार था तो इन लोग को ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था. और हम लोग पहले आ चुके थे तो हम लोग के लिए भी उतना ही खास था. बट ये था कि हम लोग इतने एक्साइटेड नहीं थे जब फर्स्ट टाइम आए थे, तो उस टाइम पर ज़्यादा एक्साइटेड थे. तो यहाँ पे लोग जो रूमी गेट का इस साइड से है ना, वो बहुत ही प्यारा व्यू लगता है. ट्रस्ट मी, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ का व्यू. और यहाँ पे जो रोड बने हुए हैं ना, ऐसे इस पे रिक्शे पे आप बैठोगे ना, तो यहाँ पे इस रोड पे रिक्शे पे चलोगे तो बहुत अच्छा. यहाँ पे मैप बना हुआ है जिसको समझना बिल्कुल जैसे कि हमारे लिए मैथ समझना है, तो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आती ये चीज़ें. जिनके पास बहुत दिमाग होगा वो समझ जाएंगे. तो यहाँ का पूरा कुछ इस तरह का व्यू है. हम लोग अपने स्लीपर्स की, सैंडल्स की वीडियो लेते हुए और इसके बाद से हम जाएंगे अब भूल भुलैया, वहाँ का भी वीडियो शूट करेंगे. तो हम लोग अंदर आ चुके हैं और कुछ एंट्रेंस के बाद ऐसा बीच में बना हुआ है, यहाँ पे पिक्चर्स वीडियो लेना अलाउ नहीं है. फिर हम भूल भुलैया के अंदर गए और यहाँ पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया. ये बहुत अंधेरा था और इतने सारे लोग थे, तो हमने अपना फ्लैश लाइट ऑन करके वीडियो बनाया. यहाँ पे कुआं है और ये लोग लड़कियाँ हमारी. सो यहाँ पे ये लोग मैम और यहाँ पे अंकिता फ़ोन चलाते हुए वीडियो बनाते हुए. तो इतना अंधेरा था, सब डर रहे थे यहाँ पे. फिर हम लोग धीरे धीरे करके सब लोग अंदर गए. मैम अंदर नहीं गई. हम लोगों ने गाइड को 200 रुपीज़ दिए और हमारा गाइड ही गायब था. ये लोग ऐसे ही करते हैं. प्लीज़ आप जब भी यहाँ पे आए तो गाइड ना लें, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, आप आसानी से अंदर जाके वापस पहुँच आएंगे, आपको किसी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी गाइड ना लें. हम लोग गाइड लिए बट कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ. गाइड एक दूसरे को वो कर रहे थे कि इनसे आप, ये मेरे दोस्त हैं, इनके साथ आप चले जाओ और ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो एक गाइड पूरे 100-150 लोगों को घुमा रहा था और सबसे 200-200 रुपये लिए हुए थे. तो हम आप सजेस्ट करूँगी गाइड ना ले आप. फिर यहाँ पे और भी ज़्यादा अंधेरा था. फिर हम लोग यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे कुआं वगैरह देखा और फिर यहाँ पे अब हम जाएंगे. यहाँ पे जितने भी मतलब सब लोगों ने अपने अपने पैसे शेयर किए ताकि हम लोग जा पाए. यहाँ पे उतनी ऊंची नीची सीढ़ियाँ थी. आप चश्मा अगर लगाते हैं तो आप लगा के जाएं, नहीं तो आप, और यहाँ पे पैर मतलब ऊंची नीची ज़मीन दी तो पैर में चोट लग सकती है, तो बहुत ही केयरफुल होके जाएं. फिर अब हम लोग जो इमाम बाड़ा भूल भुलैया था, अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं. ये भूल भुलैया के आसपास का एरिया था, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, कुआं घाट कुछ बोलते हैं मतलब. फिर अब ये यहाँ का लुक है इमाम बाड़े का. यहाँ के टिकट 50 रुपये हैं. तो हम लोग अब बाहर आ गए हैं और यहाँ पे मैम मिल गई हमें फाइनली.
तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि छोटा इमामबाड़ा जाएं। छोटा इमामबाड़ा जाने के लिए हम लोग रिक्शे में बैठ गए। रिक्शे में बैठ के इतना मज़ा आ रहा था ना, आपको भी सजेस्ट करूंगी कि आप रिक्शे में बैठ के जाएं, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे सनलाइट भी अच्छी आ रही थी, यहाँ पे हम लोग ठंड का मौसम है तो इसलिए और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और रिक्शे में अपने लोगों के साथ बैठ के बहुत अच्छा लगता है, हम बातें करते हुए जाते हैं तो सबको बहुत मज़ा आ रही थी। फिर हम लोग छोटे इमामबाड़े पे फाइनली पहुंच गए हैं, पहुंच गए हैं। फिर वहाँ पे हम लोगों ने कुछ ऑर्डर करा तो समोसे वगैरह आए, वहाँ पे हम लोगों ने खाए। ये क्लॉक टावर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्लॉक टावर है और यहाँ पे हमारी फ्रेंड्स हैं। क्लॉक टावर भी चला गया। यहाँ पे मैं पहले आया करती थी, हम लोग वीडियो शूट करते थे पहले, तो यहाँ पे प्रैंक वीडियो शूट किया हम लोगों ने काफ़ी। पर छोटे इमामबाड़ा पे पहुँच गए, इसके भी काफ़ी लॉजिक है। यहाँ पे ताजमहल जैसा भी एक छोटा सा बना हुआ है, देख सकते हैं आप। बहुत ही प्यारा व्यू था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे हम लोगों को। और सब सारे लोग इतने ज़्यादा थक चुके थे कि किसी में इतनी एनर्जी नहीं थी कि यहाँ की चीज़ों को, यहाँ पे पिक्चर्स लें, यहाँ पे एंजॉय कर पाएँ, तो सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो वहाँ पे हम लोग अंदर गए, वहाँ पे मज़ार बना हुआ थे, वहाँ पे मन्नत भी आप मांग सकते हो। फिर अब हम लोग वापस रिटर्निंग के लिए निकल चुके हैं और वापस अब हम जाने वाले हैं यहाँ से। हमारा ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया क्योंकि बहुत जगह ऐसा था जहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, बहुत सारा फाइन लग जाता, इसलिए यहाँ पे अंकिता ने बोला लाओ मैं वीडियो बना दी। उसने अपने लंबे लंबे हाथों को बाहर किया और वीडियो शूट करा। तो मैंने फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए, फिर हम लोग जाने लगे और यहाँ पे लास्ट एक वीडियो शूट कर लिया था हम लोग जाते हुए। फिर हम लोग गाड़ी में बैठे और फिर हम लोग निकल लिए। ओके गाइस, बाय बाय, आई होप वीडियो